Your key milestones in life. Man, I'm seeing your room fully decorated with so many token of appreciations and shields and rewards. So how you've done it? How, how you've done this, Mashallah. Uh, without commitment, you cannot start, and without consistency, you cannot finish. Projects post होते हैं si common hai. मुझे लगता है फाइवर ही पाकिस्तान यार कोई फाइबर पर चला अच्छा उसकी वजह यह कि ब्रडिंग नहीं ना करने पड़े अगर नाकामी हो दस बिड्स के बाद तो बस फिर उसके बाद ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं सो समझिएगा इस बात को वो इसलिए ये दुनिया ये महफिल आपके काम की नहीं जवान क्योंकि आपने दोनों चीज़ों पे काम नहीं किया हुआ एक आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हो दूसरा सॉफ्ट स्किल बच इज़ कम्युनिकेशन स्किल और फिर कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको मार्केट करना चाहिए अपने आप मुझे फुल टॉस से फेंक रहे हैं और मैं मारता रहूँगा छके ठीक मैं मैं हमेशा कहता हूँ कि बेचना सीख जाओ कमाना right. शुरू हो जाओगे राइट राइट सो इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड माइंड सेट जो है ना hmm. uh, ये ये मार्किटिंग uh, वाला माइंड सेट के बेचना सीख जाओ कमाना शुरू हो जाओगे दैट गोज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया ए लिंक यू गट टू हैव प्रेजेंस है मैंने विजुअल की बात की रेगुलर शॉर्ट शॉर्टियज फिर जनाब पिक्चर्स हैं पिक्चर्स डालें इनफोग्राफिक्स अपनी सर्विस के बारे में डालें टेक्स्ट पोस्ट लोगों को कन्विंस करें ना hmm. कि आज के दौर में डॉलराइज़ करो अपनी इनकम को यार इट गेट्स डाउन टू टू थिंग्स ए लर्न हाउ टू कम्युनिकेट बी योर बिजनेस डेवलपमेंट नैकेंचुरी मींस योर हैंड्स डाउन ग्रिप ऑन दैट स्किल पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अपने आप को अक्सर अंडर कर जाते uh, एक, एक हैं या uh, मतलब दे डोंट नो हाउ टू सेल देयर सेल्स और बस वो कहते हैं यार प्रोजेक्ट आ रहा है ठीक है क्लाइंट का बजट कम है तो कोई बात नहीं जैसे वो कह रहे हैं वैसे कर लो मेरी जो है ना वो बिजली चली गई मेरे घर का इंटरनेट खराब हो गया तो इसलिए मैं जो है ना मीटिंग पे नहीं आ सका या मैं अपनी डेडलाइन को मीट नहीं कर सका सो so, इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस जब ओवरसीज क्लाइंट को एक पाकिस्तानी दे रहा है एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर ही इज़ नॉट एक्चुअली रूइंग हिज़ ओन बिजनेस एंड हिज़ ओन क्लाइंट But he is also draining the impression of Pakistan. अच्छा this Gen Z जो मरियाब आ रही है ना, खास तौर levels वाली, ये बड़े डर्डे sir. ये झूठ झूठ नहीं because ये वो inspire है western cultures है. Assalam Alaikum guys and welcome to another exciting episode of Youth on the Rise. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होएंगे. मैं हूं आपका होस्ट उमर चौधरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फ्री लैंस लाइक अ प्रो जी हाँ फ्री लैंसिंग एक हमेशा से बड़ा हॉट टॉपिक रहा है और पाकिस्तान भी बड़ी टॉप रैंकिंग्स में आता रहा है ग्लोबली लेकिन सवाल हमेशा यही उठता है कि फ्री लैसिंग को कैसे स्टार्ट किया जाए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और ए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर ये फ्री लैंसिंग जो है वो की जा सकती है और ख़ासतौर पर आज कल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट है बिकॉज ऑफ़ द करंट इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक सिचुएशन जिसमें महंगाई का दौरे दौरा है सो so वहाँ पे हम लोग किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज में अर्न करके इन सारे चैलेंजेस को रन डाउन कर सकते हैं सो so इसी पे हम लोग बात करेंगे लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डोंट फोरगेट टू साइन अपू डाई स्कैम डॉट कॉम विच इज़ योर अल्टीमेट अप स्किलिंग एंड जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म सो गाइज़ फ्रीलैंसिंग की जहाँ पर बात होती है तो एक ही नाम हमेशा से

so um, tell me about how how you've made this possible your your key milestones in life Man, i'm seeing your room fully decorated with so many token of appreciations and shields and rewards so how you've done it how, how you've done this mashallah uh, without commitment you cannot start and without consistency you cannot finish so it uh, actually the takeaways between these two c's Commitment and consistency. Uh, despite of the fact that there there was a uh, few odd bad days in life, I did not take them as the whole uh, script for the rest of my life. It was just a common, not a full stop. So if you have consistency, you keep going, Brilliant. And how do you manage your time? I mean, you have this being guru and then you have the other platform and then you have your own digital marketing agency and then mashallah you are a public speaker as well so time management <laughs> ke wala say thoda sa aur time time so <laughs> आपे आपे ताँग आपे ताँग इस, इस, scientific reason deta I genuinely believe productivity is overrated productivity means that you are on clock 24/7 thinking about uh what you can grab out of a particular activity by being hands down mm. and honestly speaking you cannot be hands down 24/7 so what does this mean it means that you need to leverage your resources mm. all successful people if you follow their footprints uh, they're not hands down 24/7 so uh, they travel they they, they appear pub, uh, publicly they got uh, time to spend uh, with with younger ones and if you look at uh, uh, the footprints of एवरी सक्सेसफुल इंडिविजुअल किसी से hmm. मिल लें बात कर लें तो so फिर इसका मतलब वो काम कैसे मैनेज हो रहा है लेवरेज करें अपने रिसोर्स को आप सिर्फ अपनी एफर्ट और फोकस उन एक्टिविटीज पर लगाए जिससे आपका मनी नीडल मूव होगा बाकी रेस्ट कैन बी आउटसोर्स जवाब देना दे दे। hmm. है मैं को तो मैं खुद hmm. ही hmm. तो दू तो वो स्माइल बंदे की देखें जी भाई दे। <laughs> अच्छा जी अब ये मैं बताऊंगा नहीं क्या हुआ था कौन सा कैमरा ये नहीं मैं बताऊंगा क्या हुआ था <laughs> तो भाई जरूरी है कि सारे काम खुद ही करेंगे अगले को जिम्मेदारी दे दें डेजिगनेट कर दे ज़िंदगी आसान हो जाती है बट फोकस ऑन द टास्क दैट मूव द मनी नीडल इफ आई हैव टू अपीयर ऑन दिस दिस पॉडकास्ट ए आई नॉट डू इट ये काम मैं खुद ही करूंगा एट दी एंड ऑफ ऑफ डे इट इज विन सिचुएशन बोथ अस सो सर सवाल सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं सो so, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है मेरा आपसे जो कि एक कोई भी ले मैन पूछता है सो आई एम एक्चुअली टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ अवर ऑडियंस कि यार फ्री लैसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं या फ्री लैसिंग का काम है वो कैसे ढूंढा जाए कहाँ से ढूंढा जाए सो so, <laughs> साहब ये बड़ा बेसिक सवाल है जो जाहिर हर कोई पूछता है आ, काम ढूंढने से पहले मेरे ख्याल में ये डिटर्मिन करना ज़्यादा जरूरी है कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं कि नहीं राइट बिकॉज अगर आप किसी स्किल में महारत नहीं हासिल रखते और फिर आप काम ढूंढने निकल गए तो कोचल हंस की चाल अपनी भी भूल गए बिल्कुल ज्यादा ज़रूरी ये है कि पहले आप महारत हासिल करें उस स्किल सेट की फिर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और मैं दोहराई दो, दो, दो देता हूँ इस बात को कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अंदाज़ गुफ्तगु जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं जिसमें सुनना और बोलना दोनों शामिल हैं वो भी टॉप नॉज हो बेहतरीन हो ग्राइट जब आपकी टेक स्किल पे दस्रस है जब आप कम्युनिकेशन स्किल पे कमांड रखे हुए फिर आप जाएं और काम ढूंढें अच्छा काम ढूंढने के लिए बहुत सारी मार्केट प्लेसेज हैं इंटरनेट बेस्ड फ्री लांस मार्केट प्लेसेस जहाँ पर यह काम जो है वो प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं और काम मिलता है उनमें बहुत सारे नाम हैं अब वक़्त है, है। फाइबर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कॉमन है मुझे लगता है फाइबर चली पाकिस्तान के वजह कोई <laughs> फाइबर में <पे> चला <laughs> अच्छा उसकी वजह यह कि बिडिंग नहीं ना करनी पड़ती बिडिंग नहीं करना आराम से जाके गिग रख ली सर्विस फॉर सेल रख ली इट्स लाइक यू हैविंग अ स्टोर एंड देन पुटिंग प्रोडक्ट्स ऑन शेल्फ वॉक्स दे नो अ प्रोडक्ट एंड देन दे कैन सी दैट प्रोडक्ट ऑन शेल्फ़

यही जो आपने मार्केटिंग चैनल्स की जो बात कर दी ऑलरेडी मैं इसी हवाले से ही बात करने लगा था कि uh, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स या कौन कौन से मार्केटिंग चैनल्स यूज़ करने चाहिए बिकॉज आई बिलीव दैट्स माई ओपिनियन कि यू नीड टू बी अ वेरी यू नीड टू बी वेरी गुड इन मार्केटिंग इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड फ्री वर्क तो अब उसमें मार्केटिंग क्या एक स्किल जो आपके ख्याल में कि बहुत जरूरी स्किल है जो होना चाहिए और फिर कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको मार्केट करना चाहिए अपने आप मुझे फुलटा से रहे हैं और मैं मारता रहूंगा छके ठीक है मैं हमेशा कहता हूँ कि बेचना सीख जाओ कमाना right, शुरू हो जाओगे राइट राइट सो इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग अच्छा इमेजिन हम बजिद फ्री लांस मार्केट प्लेसेस पे काम ढूंढने ढूंढेंगे भाई फाइबर पर बैठे हुए हैं सात गिग्स बना ली लगे हुए दे मार साढ़े चार बॉर्डर्स नहीं आ रहे अब वक्त पे बिड्स आफ्टर बिड्स Paise ke connections khareed which is good. But imagine, what are you losing at the end of the day? You're not leveraging the opportunities lying idle, willing to embrace you with both arms stretched on social media. Twitter pe bhi TikTok pe videos ke kaam One way of uh, getting an eyeballs. सर्विसीच पीपल बिकॉज आखिर में जब आप लोगों को सिखा रहे होते हैं कि ये काम ऐसे होता है तो दुनिया फिर भी कहती है अच्छा सर भाई ठीक सीख लेता तो खुद कर दे ये पैसे ले ले मुझे करके दे दे एंड पीपल इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ टू थिंग्स विच कम्स आफ्टर सोशल मीडिया इवन दो वन इज सोशल मीडिया एंड दैट इज लिंक बी टू बी बी टू सी और फिर आप, दूसरा आपकी डायरेक्ट ब्रांडिंग है वेबसाइट जिंदाबाद अमेजन आपने अपनी वेबसाइट बनाई आपने अपना पोर्टफोलियो उस पर डम्प किया हुआ है आपने अबाउट असर्विसेस सब अच्छे तरीके से पॉपुलेट किया हुआ है एस ओ ओ ओर की वर्ड्स रखे हुए डैन द रोड इफ यू आर लकी नफ एन यू आर एबल टू गेट रैंक फॉर योर बिजनेस रिलेटेड की वर्ड इन टॉप टेन सर्च रिजल्ट गूगल लाइव चिंगा लाला जी उसके बाद जो डायरेक्ट क्लाइंटल आ रहा है यू कैन प्राइस दटविल वट डज दिस मीन इट मीन्स के आप उनको जो सेचुरेटेड मार्केट प्लेस की प्राइसेज हैं Uh, उस पर स्लैश प्राइसिस नहीं देंगे hmm. आप अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर चार्ज दैम फॉर फॉर द सर्विस पेड फॉर सो इसमें रॉकेट साइंस क्या कहती है वो ये कहती है कि कान यूँ पकड़ने की जरूरत नहीं है यूं पकड़ने की जरूरत नहीं है सिम्पल दोनों हाथों से पकड़ लो जाइए और लेंगटन में अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए जाइए लिंक पे पोस्ट डालिए तीन किस्म की पोस्टें हैं उसमें आ, अगर हम मार्केटिंग की बात करें और ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात करें ना पैसे लगाए बगैर विजुअल कंटेंट बिकता सबसे ज़्यादा उसमें भी शॉर्ट वर्जन बिकॉज अटेंशन स्पेन लोगों का कम हो गया एक मिनट की वीडियो टिकटॉक की क्यों वायरल हुई स्नैप क्यों वायरल हुआ यूट्यूब शॉर्ट्स क्यों वायरल हुए रील्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड इवन ऑन व्हाट्सएप क्यों वायरल हुई बिकॉज अटेंशन स्पेन ही कम है ना टाइम राइट सो विजुअल कॉन्टेंट रेगुलर कंटेंट के साथ साथ समराइज्ड uh, वीडियोज uh, जो हैं दैट हेल्प यू गो प्लेसेस इन लाइफ एंड द सेकंड थिंग आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग थ्रू योर वेबसाइट पर्सनल ब्रांडिंग क्या है कि देखो ब्रांडिंग इज लोगों का परसेप्शन uh, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में और ब्रांड आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग uh, है वो ये है कि आप उस परसैप्शन के लिए क्या करते हैं hmm. आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है और आप uh, uh, किसके लिए है ये कर रहे हैं और दूसरा आप उससे गोल के अचीव करना चाहते हैं बाकी तो सिंपल बेसिक चीज़ है न कि आपने भीड़ में मुनफरद नज़र आना है पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू विच इज़ योर वेबसाइट राइट विच इज़ योर सोशल मीडिया प्रेजेंस पर्टिकुलरली लिंक बिकॉज अभी हम प्रोफेशनल सर्विसज की बात करें भीड़ में मुनफरद नजर आना है, website, right? your, uh, presence, LinkedIn, नजर आना है आपको अगर आपकी ब्रांडिंग जो है वो गोज ऑफ द रूफ तो आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैप कर सकते हैं फिर जनाब ये जेन में रखिएगा कि पीपल विल ऑलवेज गो ऑन सोशल मीडिया टू क्रॉस वेरीफाई और और प्रूफ लेने के लिए सो yeah. so, अगर वहां पे आप हैं ही नहीं मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं जी मैंने आपसे बात करनी है अच्छा मैं सबसे पहले जाके देखूंगा आपको लिंकटिन में तो जी लिंकटिन में हो गई नहीं तो मैं तो दो 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 की गल करनी सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये माइंड जो है ना ये ये मार्केटिंग वाला माइंड के बेचना सीख जाओ कमाना शुरू हो जाओगे दैट गोज विद टू थिंग्स ऑन सोशल मीडिया ए लिंकटेन यू कट टू हैव लिंक इन प्रेजेंस जिसमें मैंने विजुअल कॉन्टेंट की बात की रेगुलर वीडियो शॉट वीडियोज फिर जना पिक्चर्स हैं पिक्चर्स डालें इन्फोग्राफिक्स अपनी सर्विस के बारे में डालें टेक्सट पोस्ट लोगों को कन्विंस करें ना कि आज के दौर में डॉलराइज करो अपनी इनकम को यार दो सौ पचास तक आ गया चलो बाय द टाइम ये कोई वीडियो देख रहा होगा मेरी तो दुआएं दो सौ तक आ जाए पाँच रुपये कम हो ताकि ये चीज़ें महंगी हों एक गड्डी नॉर्मल करोड़ रुपए की गड्डी तीस हजार की गाड़ी जो है वो

एंड देन यू गट टू हैव योर ओन वेबसाइट और फिर कोशिश करें कि उसमें ब्लॉग्स लिखें सो ब्लॉगिंग इज इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज एसोसिएटेड विद योर वेबसाइट मार्केटिंग की बात करते हैं अपने ओपिनियन वॉइस करें ना और लोगों को एजुकेट करें इन द प्रोसेस वेन यू आर एजुकेटिंग पीपल नॉट ओनली यू आर गिंग व्यूअरशिप एंड सब्सक्राइबर्स ऑन योर ब्लॉग बट यू ऑल्सो गेट गिव यूर सेल्फ फेयर चांस कि जनाब वो जो कहता है अच्छा सर खुर के ना कहे तो ठीक रहे पर भाई तो खुद ही गाल है

जो बाद में इंसानियत के लिए फ्लाह और बहबूद का काम करती है तो तीन चीज़ें में चीज़ेंटेंट तो एफ है ओके सर hmm. okay, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आजकल जनरेटिव ए आई चार जी पी का बड़ा दौर दौरा चल रहा है तो वन यू टॉकन अबाउट कॉन्टेंट वीडियो कॉन्टेंट या इमेज uh, आप पोस्ट करें सो कॉन्टेंट जनरेशन हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी ईजी नाव लेकिन ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट स्पेशली जैसे ब्लॉग राइटिंग आ गई तो उसके हवाले से आपकी क्या क्या राय है नहीं बल्कि ठीक भी है हर वक्त तो नहीं है इस्तेमाल हो सकता बिकॉज डाउन द रोड वट इफ यू फाइंड आउट गूगल योर ब्लॉग्स फॉर नट ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड बैंकिंग ऑन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो डाउन द रोड इफ देर अ पॉलिसी अपडेट और कम्युनिटी गाइडलाइन दैट फॉप्स पिन डाउन कर देती है आपके ब्लॉग को नेगेटिव uh, इम्पैक्ट देती है आपकी व्यूअरशिप स्लैश डाउन कर देती है जस्ट बिकॉज़ यू हैव यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न सो ये ठीक भी है आई गेस एआई एज इलन मस्क सेस के फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स पीपल नीड टू यूज़ इट ऐसा नहीं है कि आप इस पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएं ओनली फाइंड आउट करिएगा गुड फॉर नथिंग डाउन द रोड तो देखो बात सुनो अभी हम बैक ड्रॉप बैकग्राउंड में बिफोर स्टार्टिंग दिस कन्वर्सेशन मैंने इससे रिलेटेड चौस साहब आपसे एक बात की थी वो क्या बात की थी मैंने मैं कहा था कि ये मेरे लिए बना है मैं इसके लिए नहीं पीपल नीड टू रियलाइज दैट दे शुड यूज टेक्नोलॉजी टू देयर एडवांटेज नॉट गेट हुक्ड टू द टेक्नोलॉजी राइट बिकॉज अगर आप डिपेंडेंट हो गए ना फिर तो काम हो गया खराब बिकॉज hmm. आपकी क्रिएटिविटी आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है आपकी जो ह्यूमन हैं, वो uh, वैसी खराब हो जाएंगी राइट ह्यूमन माइंड इज़ बाय अल्लाह बाय डिफ़ॉल्ट टू कंफर्टेबल, बिकॉज़ इट लाइक पेन। यू फॉर फॉर इमोशनल इट इट्स यू बिफोर हैंड इफ यू आर अबाउट टू गेट हर्ट फिजिकली एंड इट तो टोनी uh, के uh, It's amazing to know what humans can do, but what humans end up doing is pretty disappointing because we are unable to think beyond mediocrity. Mm. Artificial intelligence is a computer aided uh, machine run program, and only if humans realize that humans would be operating machine because they have got this EQ, which is better than IQ. You can give machine IQ, you can give machine all kind of, kinds of. Uh, uh, you know um, uh, intelligence and data to 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 be fed with but at the end of the day humans have emotions and emotions means creativity mm -hmm. that is something machine would never be able to get so uh, uh, people need to know more about uh, ai people need to definitely know more about uh, chat gpt but with the caution that they do not go overboard and use it only to find out that they get penalized down the road by एलगोरिजम ऑफ डेट्स एंड वो फिर सर पकड़ के बैठ जाए मैं लुट गया बर्बाद हो गया hmm. बेहतर यही है कि उसको मॉडरेट अप्रोच के साथ यूज किया जाए यूज टेक्नोलॉजी टू एडवांटेज बट डोंट सोल्ली डिपेंड ट्वेंटी फोर सेवन ऑन टेक्नोलॉजी अपना दिमाग भी लड़ें

रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं नहीं यार आई डिसाइड दिस इन अर्ली मार्च अच्छा और uh, मैं इसको ये जो सामने आपकी तस्वीर है एलसीटी सी की uh, बल्कि आप हाजरीन और हाजरीन को ऊपर पिक्चर दिखा देना हाँ श्योर स्क्रीन के ऊपर सो so उस तो मैंने ये बाकायदा ऐलान किया था विद माइक ड्रॉप एट द एंड ऑफ माई स्पीच के राइट आई थिंक आई बी मोर इंक्लाइंट टू फोकस ऑन कॉन्टेंट क्रिएशन एंड मैंटरिंग रदर दैन टीचिंग बिकॉज आई थिंक आई रीच द मैक्सिमाइजिंग थ्रेश होल्ड ऑफ टीचि यार्टोरी शॉर्ट अब सात साल बाद में इसका क्रेडिट जरूर लूंगा और बहुत कम बोला है मैंने इसके बारे में लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ लाइफ सेशन में और अभी मतलब उन गली गली थी उन फ्री लांसिंग का जो शोर मच गया और मैं की करा मतलब ठीक है ना यार उसे अब इतना तो क्रेडिट मुझे लेने दो ना नहीं बिल्कुल so, uh, अब इसका भी नेगेटिव रिप्रिकॉशन आने हैं ये भी देखना अच्छा सर मुझे काम इसलिए नहीं मिल रहा था कि इसने इतनी फ्री का चर्चा करा दिया कि अब आम आदमी को काम ही नहीं मिलता ना लाइक में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है यू आर नॉट इवन अ प्योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और ब्लेम करना इज एन एवरेज माइंड ठीक है वो करता ही यही है उसका काम ही ब्लेम करना सो so, ये नहीं कि अपने आप पर इंप्रूवमेंट लेके आए इट्स एन ओपन मार्केट इट्स अ ओपन फील्ड फॉर एवरीबॉडी टू स्टेप इन एंड एन यू नो ट्राई देयर लक लेकिन अच्छा अब आप देखिएगा आने वाले वक्तों में ना मार्केट प्लेसिस के अलावा बहुत ज़्यादा जो है आपको प्रॉस्पैरिटी मिलेगी इन इन इंडिविजुअल प्रोफेशनल लाइफ बिकॉज एज वी आर रेजिंग अवे इन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेंथ एंड एंडल ब्रेंडिंग देखना होगा कि अगले दो एक साल आज hmm. तो ब्लेम्स की गल कर रहे मेरे को जहनते आया कि

मेरा बचपन का दोस्त है और वो खातून निकली यार डीपी तो रख लेती कम से कम मुझे भी बचपन की दोस्त का पता लग जाता ठीक हाँ। तो है थोड़े से व्यूअरशिप लेना था लेकिन पता तो लग जाता मुझे कि यार आप मेरी बचपन की दोस्त है तो सोशल मीडिया पे तो कुछ भी हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा वो वो क्रिकेटर इमरान खान एक दफा वो अब सोशल मीडिया से पहले भी हमेशा ही चलता रहा तो वो कहता कि अखबार पढ़ते थे तो सुबह पता लगता था कि मोइन अख्तर साहब गॉड ब्लेस उनको कहते हैं कि आपकी मंगनी हुई और बड़ी खैर खैर से जो है वो अंजाम पाई कहता है इस तरह की सात आठ तो मैं अखबारों में देखता <laughs> हूँ के, के, तो वो सोशल मीडिया में तो कुछ भी डाल दो यार कुछ भी डालते हाँ। तो टॉकिंग ऑफ दीज ब्लेम्स एक और मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा था कि एक बड़ा कॉमन uh, ब्लेम है जो कि अक्सर फ्री लासर स्पेशली जो सर्वाइव uh, नहीं कर पा रहे मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं वही कहते हैं कि यार पाकिस्तान की जो इंटरनेशनली ग्लोबली परसेप्शन है वो इतनी अच्छी नहीं है स्पेशली आजकल के दौर में जहाँ पे इकोनॉमिक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है so, so the so, इसमें कुछ सच्चाई है जरा I'll not buy this. Uh -huh. मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और uh, मेरे पास हाई टिकटिंग क्लाइंट्स हैं एंड माई वर्कली माशाल्लाह सर, में, में एक शहर में आप जगाना <laughs> तो बाई नहीं करूंगा right. बाई नहीं करूंगा बट एज मैटर मैंने काम अच्छा किया अगर मैंने काम अच्छा किया mm -hmm. mm -hmm. अच्छा वो खुश होकर दस बंदों को और नहीं बताएगा कि Definitely. यार ये पाकिस्तानी है डेफिनेटली इसका मतलब पाकिस्तानी अच्छे होते हैं hmm. मेरे मुल्क का कोई मेरा 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 हम वतन जब उसके मुल्क जाएगा तो वो कहेगा हाँ तुम्हारा एक बंदा तुम्हारे एक आ, आ, नेशन का बंदे hmm. के साथ हमने काम किया मैसिव रिस्पेक्ट बिकॉज उसने मुझे चीट नहीं किया बिकॉज hmm. उसने मुझे रिप ऑफ नहीं किया उसने मुझे स्कैम नहीं किया उसने वैल्यू प्रोपोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उसने मुझे ओवर प्राइस नहीं किया उसने मुझे uh, चीट नहीं किया डेडलाइन uh, जो है वो मिस नहीं की माइल का uh, को ऑनर किया बट एल्स कैन यू आस्क फॉर नॉट ओनली दे यू नो माय वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजर बट आल्सो दे विल हेल्प सेंडिंग मोर पीपल माय वे करेक्ट फ्रॉम माईम्री सिंपल पैस है यार आप किसी के साथ अच्छा करेंगे वो आपकी तारीफ करेगा कि बदतरीफी करेगा hmm. तो uh, गुजारिश है कि इस नैरेटिव को इस एनालॉजी को कंपैरिजन कर लें पाकिस्तान की बाकी मुल्कों के साथ मैं बाई नहीं करूंगा राइट right. जबरदस्त बिल्कुल सही सो यानी कि हम हमारे जो ऑडियंस हैं उनके लिए मैसेज है कि यार स्टॉप ब्लेमिंग इन स्टार्ट डूइंग सो एक और चीज़ जो बड़ी गलती uh, काफ़ी सारे क्योंकि मेरा भी काफ़ी ज़्यादा टैकीज़ के साथ यंग टैकीस एस्पायरिंग टैक्स के साथ ताल्लुक वास्ता पड़ता रहता है एजुकेशन एरिया एज़ वेल

80% is LinkedIn and website. 20% yes. is marketplaces. Mm. I've got a profile of our off around 1.5 million USD on guru.com. So, wo marketplaces will come mm. So, it's kaan, yeah, it gets down to two things A, learn how to communicate, B, your business development nag, which mm. essentially means your hands down grip on that skill. Mm. और उसके बाद चाहे मार्केट प्लेस हो या डायरेक्ट ब्रांडिंग हो या लिंक हो दिस शुड हेल्प यू सेल अक्रॉस मिस्ट ऑफ ऑल दी हाई तो एक और चीज़ बड़ी कॉमन देखी गई कि पाकिस्तानी फ्री अपने आप को अक्सर अंडर सेल कर जाते हैं एक एक लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें या आ, मतलब दे डोंट नो हाउ टू तो सेल देयर सेल्स और बस वो कहते हैं यार प्रोजेक्ट आ रहा है ठीक है क्लाइंट का बजट कम है तो कोई बात नहीं जैसे वो कह रहे हैं वैसे कर लेता हूँ so सो अब ये थोड़ा सा निगोशिएशन स्किल्स है जो कि हमें अपने पॉलिश करने की जरूरत है तो इसके इस हवाले इस से आपकी क्या राय है कि हाउ टू हाउ नॉट टू बहुत अच्छा सवाल है टूर इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एक तो ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर विक्टिम हो जाता है इंटरनेशनल क्लाइंट्स uh, का जो इसको मिनीप्लेट करते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं नोइंग ये एक मरता क्या ना करता है इसको काम चाहिए ये तो मजबूर इसलिए मार्केट प्लेसेस का मैं एडवोकेट नहीं हूँ ना तो अगर आप इस एक्सप्लाटेशन के रीजन को देखें द अदर वे अराउंड बच्चे को काम चाहिए नौकरियाँ hmm. हैं नहीं मुलाजमतें हैं नहीं और इसको किसी ने सिर्फ ये बता दिया कि अगर तुम स्किल सीख लो और काम करो और उसके बाद डॉलर टू रुपी कन्वर्जन फैक्टर दैट इन इवन इफ यू मेक अ गुड डीजेंट वन हंड्रेड डॉलर यू आर एक्चुअली मेकिंग ढाई पच्चीस हजार रुपया दो लाख पच्चीस हजार रुपया

अब उस इंटरनेट पेनिट्रेशन के नतीजे में लोगों को पता लगा कि वाई नॉट यूज इंटरनेट टू यूर यू कैन क्रिएट कॉन्टेंट पुट दैट ऑन और क्रिएट अ ब्लॉग ऑफ ओन मेक मनी इन लर्न अ स्किल स्किल टू एंड ऑफर दैट ऑन ऑन मार्केट मेक अ डाइम इन द प्रोसेस लेकिन उसको ये नहीं पता कि बिजनेस डेवलपमेंट एक, uh, एक ऐसा स्किल है जो कि uh, सीखने से ना सिर्फ आप अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ hmm.

You need to scale up. Yeah. You need to go to the next step of the ladder. You need to form uh, alliances, partnerships. You need to have uh, you know uh, business partners in the process, or uh, you need to have uh, uh, employees under 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 your umbrella. In freelancers' ka, starting point or and evolution process, so I say that if they they to compromise value instead they debate about दे स्ट्रेंथ विच इज देर देयर हैंड्स डाउन ग्रेप ऑन द स्किल तो ये अंडर uh, सेल नहीं करेंगे बट फ्लिपसाइड भी इसकी सब ये है किल्यूशन है चलना क्या है ठीक है कर लेना सीखेगा जब उसको एहसास होगा कि मेरे सोलह घंटे के काम पर लग रहे हैं यार मेरे सात वाला आठ घंटे लगाता है तो वो उसको देखेगा तो खुद स्किल्स hmm. की तरफ चला जाएगा खुद uh, अपने आप को अंडर सेल नहीं करेगा hmm. खुद अपने आप को

<laughs> Allah khair इस पेपर पे मैं क्या बात करूँ जी जो होना तो हो गया <laughs> तो सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक मसला हम लोगों ने देखा कि जी मेरी पुपी मर गई मेरी जो है ना वो बिजली चली गई मेरे घर का इंटरनेट खराब हो गया तो इसलिए मैं जो है ना मीटिंग पे नहीं आ सका या मैं अपनी डेडलाइन को मीट नहीं कर सका सो so, इस तरह के लेम एक्सक्यूज़ेज

यार आपने बचपन से उसको ये बताया घंटी होती है कि ना बाजा के कह दो अबू पे नहीं है हाँ आपने बचपन से उसको ये कहा कि सुबह कह देना कि बुखार था या फलाना मर गया या फलानी की तबीयत ख़राब थी जब होमवर्क नहीं किया आपने तो क्या एथिक्स आगे लेके जाएंगे अगर आपकी कंडीशनिंग ही ऐसे हुई है फ्रॉम अ वेरी ठंडर एज आंखें बंद करने से मसाइल हल नहीं हो जाते वी नीड टू टॉक अबाउट दिस मैं एक जगह पे मैं कहीं कहीं पॉडकास्ट था और मैंने ये बात बोली कि पाकिस्तान को एक दिहाई दरकार है वन फॉर अस टू पुट अवर थिंग्स बैक इन ऑर्डर एंड दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अवर हाउस होल्ड फैमिली घर से पेरेंटिंग सर पेरेंटिंग उसको आप ये कहें अच्छा ये जें मरिया आ रही है ना खासतौर पर एओ लेवल वाली यह बड़े डाडे सर ये झूठ झूठ नहीं बोलते बिकॉज ये वो इंस्पायर है ना वेस्टर्न कल्चर से इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की थी कि वेस्ट में मुझे मुसलमान ही नज़र आया इस्लाम नजर आया इकबाल था एग्स और पाकिस्तान में दी अदर वे अराउंड so, सो इस, इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक दिहाई लगेगी कि और आ, ये कैसे ठीक होगा अब इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया को इक्कीस तोपों की सलामी मल्टीप्लाई बाय टू उसको पता था कि उसकी टीआरपी जो है वो आ, पकड़ के दस्तों गिरबान करके मुक्के मारे दस सेकंड की लड़ाई सी डेढ़ घंटे तक कंटेंट क्रिएटर ने वो वीलॉग कर देता जी मेरे शोजे होया बंदा तेरी अक्ल पे मतलब मैं अब अब, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा सो so, आप वो दिखा रहे हैं इनको जो ये देखना चाहते हैं आप एजुकेशन की बात करें व्यूअरशिप दो हजार और आप बात करें कि जनाब मैंने आज ये कर लिया मैंने बुर्ज खलीफा देख लिया था मैं फलानी गड्डी ले लेती मैं फलाना कार ले लेता है मेरे पैसे ने फेंको और आप उसकी तजलील भी कर रहे हैं बंदे की ऐसे ऐसे uh, उनको बुला भी रहे हैं और कॉन्टेंट चलेगा सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एक्चुअली मॉरल एथिकल वैल्यूज फैमिली सिस्टम से पहले इनकल्केट कराते हैं ना अब कसूरवार कौन है मेरे नज़दीक कसूरवार स्कूल है मेरे नज़दीक कसूरवार मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें अब ज़राए में क्या आता है जनाब नंबर वन इज़ टेलीविज़न नंबर टू इज़ रेडियो नंबर थ्री इज़ इंटरनेट आज भी आप नंबर्स उठा लें तो रेडियो की जो uh, जो नंबर ऑफ लिसनर्स होंगे वो इंटरनेट से ज़्यादा ही होंगे hmm. रिमोट एरियाज वही चलता ना चलता चलता रिमोट, है। रूरल एरिया सत्तर फीसद है जो ये ये लोग रेडियो और टेलीविजन से हुटॉप है सो so, फिर जिम्मेदारी किस पे आई आपने मुझे क्या दिखाया आपने मुझे दिखाया वो आ, वो वो गेम शो ले ले दे दे ये ये फिर आपने मुझे ड्रामे दिखाए <laughs> कि उसकी बीवी उसके साथ फिर आपने मुझे क्या दिखाया दस बजे की टॉक शो में दस्तों के रवानों में पॉलिटिशियंस ने मुझे ये बताया मेरे दिमाग में इंजेक्ट कर दी आपने मुझे सिखाया आपने मुझे सिखाया कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाते हैं आपने मुझे बताया कि एक मुसलमान का शेवा क्या कि पांच वक्त की नमाज पढ़े आपने मुझे सिखाया कुरान पढ़ने से आपकी पर्सनल सोल में क्या फरक आता है? आपने मुझे सिखाया? आपने मुझे यह सिखाया कि अपना बिजनेस स्केल कैसे करते हैं एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं आपने मुझे सिखाया प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं आपने मुझे सिखाया नेटवर्क कैसे करते हैं आपने मुझे नेटवर्क घर से आपको सैंडविच लेके भेजा जाता है पुत्र पूरा खा के आई किसी नहीं देना किसान देना नहीं। वो जो बचपन में अपना सैंडविच अपना लंच किसी बच्चे के साथ शेयर नहीं कर सकता वो खेद दसवा किसी के साथ अपनी कामयाबी या अपने ट्रेड्स ऑफ सक्सेस शेयर करेगा सो so, यू यही वो नॉर्म्स हैं जो कि बड़े खतरनाक हैं जो मैं इस वक्त अभी बोल रहा हूँ और जब मैं बोलता हूँ यूजली अपनी प्रोफाइल पर तो नीचे बीस एक कमेंट आ जाते हैं हर हमेशा नुकताची नहीं कर रहे हैं क्यों जब बात नहीं करेंगे ना किसी 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 इशू के बारे में तब तक वो ठीक नहीं होगा ठीक नहीं होगा राइट hmm. सो right? so, अगर बाहर बैल हुई है और मैं अगर उस बंदे से नहीं मिलना चाहता आई शुड बी मैन टू 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 फाइंड वे आउट रादर देन टेलिंग माय सन कि जाके झूठ बोलना शुरू किया सारी उम्र झूठ बोलेगा और सबसे बड़ा झूठ सबसे बड़ा मसला फिर जब उसकी शादी होगी वो अपनी बीवी से भी झूठ hmm. बोलेगा और फिर वो पास ऑन करेगा लेगेसी अपने बच्चों के अंदर बच तुझी बना लो सोसाइटी ऊपर से आपने सोशल मीडिया दे दिया इनको बेलगाम नो पुलिसिंग एंड नो पेट्रोलिंग जिसका दो जो दिल करता है धजियाँ उड़ा दे किसी की वैसे वो बड़ा नेक और पारसा होगा अखलाकन आपसे मिलेगा तमीज़ से मतबर हो के सोशल मीडिया में वो यार इसको टी टीट कर देना है बस मैंने बोला ही नहीं लेकिन टी टीट हो गया एक कर देता वो सही है उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है उसका जो दिल करे बोल दे खातून के लिए यहाँ पे तस्वीर लगाना जवाब है

कर, जब इस्लाम के फरुख के बाद और ये मेरा टीचर मुझे मुझे उसने सिखाया कि लोग इवन जूस एंड ये मुसलमानों से ट्रेड करते थे क्यों कि ये मुसलमान है ये नापतोल में कमी नहीं नाप नापतोल में कमी नहीं करेगा हमें एजुकेट करना पड़ेगा ना, ना।, ना। क्या मुश्किल काम तो कोई नहीं है ना आप बच्चे को कुछ सिखाते हैं एक बच्चा है आप उसको चलना सिखाते हैं तो वो चलना सीख जाता है ना आप उसको बोलना सिखाते हैं बोलना सीख जाता है ना ऐसी जनरेशन समझें कि हमारी हमारी जो नेशन है सॉरी ऐसे समझें कि उसको एजुकेट करने की जरूरत है तो तीन चीजें लर्न अनलर्न एंड रीलर्न सो ये अनलर्न करने की जरूरत है जिस चीज़ के हम आदि बन चुके हैं कि भाई झूठ नहीं बोलना कि भाई नाप तोल में कमी नहीं करनी कारोबार में चीट नहीं करना कारोबार में स्कैम नहीं करना मैं इतना बड़ा विक्टम हूँ सरकार मैं फ्री पढ़ा पढ़ा थक गया मेरी प्ले लिस्ट जो है वो कोर्स बना के बेच देते हैं लो भी आपने हंसना नहीं है मैंने एथिक्स एंड मोरालिटी पे एक प्लेलिस्ट पांच सौ रुपए की बेचनी अच्छा। अच्छा। तो डाउनलोड करके वही आगे चिपका देता ही। अच्छा सो so, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा मेन स्ट्रीम टेलीविजन को अपनी जिम्मेदारी पकड़ना पड़ेगी अच्छा इसमें एक और भी मैं पॉइंट रेज करना चाहूंगा क्रिकेट को लेके मुझे लगता है क्रिकेट सबसे जल्दी जोड़ता है इस नेशन को एक मैच जीतने की देर है सारे सिंटिन हो जाते हैं ठीक है ना इस क्रिकेट का जो एडवर्टाइजिंग स्पेस है उसको यूज करना चाहिए टूवर्ड्स मैंटरिंग एंड एजुकेटिंग द मैसेस उसमें इश्तहारत की भी बड़े अच्छे हो चाहिए भाई ठीक है बाबर को पैप्सी पिला दो डू ना किया तो फिर क्या किया एक तो शुक्र है वो सिगरेट वाले एड से जान छोड़ी दहाई होगी इन कॉन्ट्रास्ट आई पी एल में इंडियन के एड्स हैं वो टेक्नोलॉजी पेस्ड हैं। सो इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाट अवर ओन प्रोडक्ट्स अगर आज हम इस अवेयरनेस को रेज करें थ्रू मेन स्ट्रीम टेलीविजन एड्स टेलीविजन प्रोग्राम्स सर आने वाले वक्तों में इमेजिन क्या पॉसिबिलिटीज आप रीच कर सकते हैं Hmm. यहीं से यूनिकॉर्न ऐप्स निकल रही हैं यहीं से यूनिकॉर्न सॉल्यूशंस निकल रहे हैं ऊपर क्रीम कहीं ना कहीं से तो चले देना hmm. पाकविज भी तो इस, 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 इसी इसी धरती से उठा ना जमीन डॉट कॉम भी तो से उठा है। बिल्कुल ऐसे ही तो बहुत कुछ उठ सकता है अवेयरनेस hmm. तो रेज करें पर hmm. दस साल एक दिहाई दरकार है लेकिन मेन स्ट्रीम टेलीविजन जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा रेडियो नहीं उठाएगा मसला नहीं हल होगा hmm. सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको हिशाम साहब से और उम्मीद करता हूँ कि यू विल बी द नेक्स्ट फ्री लांसर ऑफ पाकिस्तान स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग एपिसोड एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी कॉमेंट्स प्लीज़ डू पोस्ट दैम इन द वीडियो कॉमेंट सेक्शन एंड स्टे टून फी मान ला अल्लाह हाफ़